स्टार्ट करते हैं एक्टेड एक्ट इंस्टॉलेशन। सबसे पहले स्टैटिक आईपी सेट कर देंगे ncpa.cpl। और यहाँ पे मिलेगा ईथरनेट, ईथरनेट के प्रॉपर्टी में जाएंगे, TCP/IP वर्जन 4 और यहाँ डालेंगे एक स्टैटिक आईपी। तो यहाँ हम डाल रहे हैं 1.100 IP डाल रहे हैं। यही आईपी आप DNS में डाल देंगे क्योंकि ये सर्वर DNS सर्वर भी बनेगा, तो इसलिए यही आईपी आपके DNS में भी डलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आईपी डाल दिया, नेम चेंज करेंगे। तो लोकल सर्वर पे जाएंगे, नेम चेंज करेंगे पहले इसका, कंप्यूटर नेम चेंज करेंगे, चेंज इसका नाम रख देते हैं DC1। अभी ये वर्क ग्रुप में ही रहेगा। उसके बाद जब हम इसमें AD इंस्टॉल कर देंगे तो उसके बाद ये डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं सर्वर को। चेंज हो गया, आईपी भी डल गया, स्टैटिक आईपी डल गया। अब हम इसको प्रमोट करेंगे एज ए डोमेन कंट्रोलर। तो अब हम इसमें डालेंगे ADDS। तो ADDS डालने के लिए जाएंगे सर्वर मैनेजर के अंदर, ऊपर ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, ये देख रहे हो ऊपर जो है एक लाइन सी चल रही है ना, ये क्या कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है। इस समय अगर आप क्या है रोल सर्विसेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा सर्वर मैनेजर इज कलेक्टिंग इन्वेंट्री। तो जब ये पूरा डेटा कलेक्ट कर लेगा, इन्वेंट्री कलेक्ट कर लेगा, उसके बाद ही आप इसे कन्फिगर कर सकते हो। ठीक है, अब इसने देखो डेटा कलेक्ट कर लिया है और ये सारी सर्विसेज जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं वो वहाँ पे दिख रही हैं हमें। जो भी सर्विसेज फेल हो जाती हैं वो यहाँ पे दिख जाती हैं। अब इसमें कोई सर्विस फेल हुई है तो वो यहाँ पे दिखा रहा है इवेंट व्यू। ये दोनों सर्विसेज जो है चल नहीं रही है, स्टॉप्ड हैं। तो इसे आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे स्टार्ट सर्विसेज कर देंगे। तो जब ये स्टार्ट हो जाएंगी आपकी सर्विस तब आपका सर्वर जो है प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। डिलेड स्टार्ट, स्टार्ट तो हुई कि डिले से हुई। कुछ सर्विसेज इसमें जो है चल रही है, देखो स्टार्ट हो गई, यहां से हट गया, देखो यहां से भी देखो हट गया नोटिफिकेशन, सर्विस स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सर्विस को एड रोल्स एंड फीचर में जाओगे,
और ADDS इंस्टॉल करोगे। तो सबसे पहले देखो आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है बिफोर यू कंटिन्यू यू कैन वेरीफाई द फॉलोइंग टास्क। सबसे पहले कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, नेटवर्क सेटिंग्स सच एज स्टैटिक IP एड्रेस आर कॉन्फिगर्ड, मोस्ट सिक्योरिटी अपडेट फ्रॉम विंडोज अपडेट आर इंस्टॉल, यानी कि लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन या फिर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉलेशन। तो हम लेंगे फर्स्ट वाला, कन्फिगर एक सिंगल सर्वर बाय एडिंग रोल एंड रोल सर्विस। ये वाला जो होता है VDI के लिए होता है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉल हो जाएगी। हमें चाहिए रोल, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब देखो इसका नाम हमने चेंज किया था, तो यहाँ पे आ गया DC1 और ये इसका स्टैटिक IP आ गया। सर्वर का वर्जन दिखा रहा है 2012 R2 डेटा सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी है हमें, तो देखो यहाँ पे रोल्स के अंदर सेकंड ऑप्शन में ये कह रहा है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, तो इसको हमें ADDS को लेना है, टिक करेंगे। इसके साथ देखो एडिशनल सर्विसेज भी आएंगी, उसको भी ले लेना है। ठीक है, एक लग गया यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन आ रहा है जैसे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ये अपने आप आ जाएगा इसके साथ, नेक्स्ट। अब इसमें देखो ये कह रहा है कि ADDS जो है वो इंस्टॉल होने जा रही है, तो ADDS की जो भी प्रीरिक्विजिट्स हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, ADDS जो है वो DNS भी रिक्वायर्ड होता है उसके लिए, तो ये आपको बता रहा है कि जब आप ADDS इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ ही DNS सर्वर भी आपके नेटवर्क में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास DNS सर्वर नहीं है तो ये क्या है, DNS सर्वर को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, ये कह रहा है आपसे। ठीक है ना, नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल। तो ये ADDS आपने इसमें इंस्टॉल कर दी, यानी कि AD बाइनरी इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, यानी कि ADLDS इसके अंदर डाला जा रहा है, उसकी बाइनरीज यहाँ पे डाली जा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप क्या करोगे, इसे प्रमोट करोगे और फिर रिस्टार्ट करोगे। ठीक है, ये इंस्टॉल होने जा रहा है, इंस्टॉल हो रहा है अभी, थोड़ा सा टाइम लगाता है ये इंस्टॉल होने। चलो तो अब देखते हैं, देखो ये फीचर इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद देखो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है आपको, देखो प्रमोट दिस सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर आ रहा है ऑप्शन, इसी पे क्लिक कर दिया मैंने, इसी पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट में यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, एड ए डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन। सेकंड ऑप्शन आ रहा है एड ए न्यू डोमेन टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, और थर्ड ऑप्शन आ रहा है एड ए न्यू फॉरेस्ट। तो हम यहाँ पे देखो नया डोमेन बनाने, तो नए फॉरेस्ट में बनाएंगे, तो एड ए न्यू डोमेन इन ए न्यू फॉरेस्ट यहाँ पे, तो हम करेंगे एड ए न्यू फॉरेस्ट, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे लेना है। और जो डोमेन आप बना रहे हो वो पहला डोमेन जो बनेगा वो बनेगा रूट डोमेन, तो उसका नाम डालना है, तो कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हो। इसमें डॉटेड नेम यूज़ करोगे, जिसमें .com, .net, .org, इस तरह से डॉटेड नेम जो भी होंगे वो यूज़ होंगे। तो मैं यहाँ पे देखो इसका नाम रख रहा हूँ india.com, तो कोई भी नाम ले सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया india.com, तो india.com आपका डोमेन का नाम हो गया। नेक्स्ट करेंगे, देखो नेक्स्ट स्क्रीन ये बता रही है आपसे, ये पूछ रहा है आपसे कि सेलेक्ट द फंक्शनल लेवल ऑफ द न्यू फॉरेस्ट और द रूट डोमेन। तो रूट डोमेन का जो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आ रहा है 2008, उसके बाद आ रहा है 2008 R2, फिर आ रहा है 12 और फिर आ रहा है 12 R2। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पुराने सर्वर भी काम कर रहे हैं तो क्या होगा, जो पुराने सर्वर होंगे उनको भी हमें काम में लाना है और नए सर्वर को भी लाना है। तो जब नया सर्वर यहाँ पे क्या कर रहा है, काम करेगा, तो पुराने के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारे सिस्टम में जो पुराने सर्वर हैं
वो भी काम करे, तो इसमें आप मिनिमम फंक्शन लेवल सेलेक्ट करोगे जो आपके इन्वायरमेंट के, अगर 2008 सर्वर भी चल रहा है तो 2008 भी चूज़ करोगे आप। अगर आपके इन्वायरमेंट के अंदर से 12 सर्वर चल रहे हैं, 12 और 12 R2, तो 12 चूज़ करोगे, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने 8 चूज़ किया तो मैं कौन कौन से सर्वर यूज़ कर पाऊँगा, 8 8 R2 12 12 R2 सारे यूज़ कर पाऊँगा। और अगर मैंने पहले ही यहाँ पे फंक्शनल लेवल 12 R2 कर दिया तो सिर्फ मेरे इन्वायरमेंट में 12 R2 के सर्वर ही काम करेंगे, समझ रहे हो। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम फंक्शनल लेवल लेना पड़ेगा, तो मैंने 8 ले लिया। आप इसको बाद में भी रेज कर सकते हैं फंक्शनल लेवल। अब ये कह रहा है कि भाई इसके साथ डोमेन कंट्रोलर के साथ DNS भी इंस्टॉल होगा, तो डोमेन कैपेबिलिटी में DNS भी आ गया, साथ में ग्लोबल कैटलॉग भी आ गया। ग्लोबल कैटलॉग जो है वो सर्वर क्या करता है, डोमेन के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो वो ग्लोबल कैटलॉग भी बनेगा। अब देखो RODC इसमें सिलेक्ट नहीं है तो ये नहीं बनेगा, RODC तब बनेगा जब पहले सर्वर बनेगा, उसके बाद हम ब्रांच ऑफिस के लिए RODC डिप्लॉय कर सकते हैं, वो एक अलग सर्वर डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो वो बाद में करेंगे। तो पहले हम इन्हीं ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, DNS और DC, तो ये तो बाय डिफॉल्ट टिक हो गए। अब देखो नीचे कह रहा है कि पासवर्ड डालना है आपको DSRM मोड का, डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड। ये पासवर्ड तब मांगता है जब आप AD इंस्टॉल करते हो, बैकअप लेते हो और रिस्टोर करते हो, तो कभी ना कभी आपको रिस्टोर करना पड़ेगा AD को, तो उसके लिए आप F8 प्रेस करोगे और सेफ मोड में जाओगे। वहाँ सेफ मोड में ऑप्शन आएगा डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड, ठीक है। तो F8 सेफ मोड के लिए होता है, तो उसी में एक ऑप्शन आएगा डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड, उसको एंटर करोगे, ठीक है, फिर आप से पासवर्ड मांगा जाएगा। तो ये वाला पासवर्ड, तो ये पासवर्ड आपके AD के पासवर्ड से बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। हाँ, तो वो डिफरेंट आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे। अभी कह रहे हैं कि DNS फाउंड नहीं किया, इस पर डेलीगेशन ऑफ DNS सर्वर कैन नॉट बी फाउंड, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा, तो बस आपको नेक्स्ट कर देना है, ये वार्निंग है सिर्फ, नेक्स्ट आप कर दोगे। इसके बाद ये कह रहा है कि भाई NetBIOS नेम लेना है, डोमेन का NetBIOS नेम क्या होगा, तो जो फर्स्ट नेम होता है जैसे india.com, तो उसका फर्स्ट पार्ट हो गया इंडिया, तो इंडिया क्या बन जाएगा, इसका NetBIOS नेम। तो देखो इंडिया इसका ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ पे आप NetBIOS नेम को चेंज भी कर सकते हो, अगर आप चाहो कि कोई और नेम यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ डिफ़ॉल्ट ही ले रहे हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखो डेटाबेस की लोकेशन पूछ रहा है आपसे, तो डेटाबेस देखो NTDS, सी विंडोज NTDS, लॉग फाइल भी सी विंडोज NTDS में जाएगी और सिसवॉल के लिए सिसवॉल डायरेक्टरी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं इसे भी। अब ये सारी प्री रिक्विजिट्स जो है हमारे पास पूरी हो गई, ये सारे चीज़ सेलेक्ट हो गए। देखो डोमेन का नाम इंडिया सेलेक्ट हो गया, ठीक है, फंक्शनल लेवल सर्वर 2008 आ गया है, ग्लोबल कैटलॉग बनेगा यस, DNS सर्वर बनेगा यस, ठीक है, और बाकी जो आपके डेटाबेस हो गया, फोल्डर लोकेशन है, लॉग फाइल्स हैं, ये सारी आपकी आ गई। नेक्स्ट करेंगे। अब ये यहाँ पे सारी प्री रिक्विजिट्स को क्या करेगा, चेक करेगा, और अगर ये सारी प्री रिक्विजिट्स क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं, तो हम इसमें AD बना सकते हैं। ये देखो सारी प्री रिक्विजिट्स क्या हो गई, पास हो गई, अब इसमें आप इंस्टॉल करो, ठीक है। अब इसमें AD क्या हो रही है, इंस्टॉल्ड हो रही है, यानी कि सर्वर प्रमोट हो रहा है इसमें। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, पहला चेंजेस तो ये आएगा, ये वर्क ग्रुप से डोमेन में जाएगा, पहली चीज। दूसरा क्या होगा, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरी चीज। तीसरी चीज, इसमें ग्रुप पॉलिसी इंस्टॉल्ड होगी, ठीक है। चौथी चीज, एक्टिव डायरेक्टरी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल हैं वो सारे इंस्टॉल होंगे, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज अकाउंट, तो यूज़र एंड कंप्यूटर्स, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे पास मिल जाएंगे, ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, टूल्स के अंदर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली।
ठीक है। इसके अलावा क्या चेंज होगा, इसके अलावा जो लॉगिन प्रोसीजर है वो चेंज होगा, यानी कि अब क्या है ऑथेंटिकेशन के लिए कैरबरोस प्रोटोकॉल काम करेगा। पहले तो लोकल डेटाबेस में चेक हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब क्या करेगा, कैरबरोस काम करेगा। तो कैरबरोस प्रोटोकॉल आपके यूज़र नेम पासवर्ड को लेके जाएगा, ठीक है, और कहाँ चेक करेगा, डेटाबेस में चेक करेगा। डेटाबेस में KDC होता है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वहाँ पे क्या होगा, अगर पासवर्ड मैच हो गया तो हमें एक TGT प्रोवाइड कर देगा, टिकट ग्रांटिंग टिकट या सेशन टिकट आपको मिल जाएगा। सेशन टिकट मिलने के बाद वो सेशन टिकट आपके वर्क स्टेशन पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और आप लॉगिन कर सकते हो। तो डोमेन के थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो डोमेन ऑथेंटिकेशन के लिए काम आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे यूज होगा डोमेन के अंदर, ठीक है। ये देखो सिक्योरिंग कैरबरोस पॉलिसी, यहाँ पे सारी चीज़ें सेट हो रही हैं। अभी जो प्रोग्रेस चल रही है इसमें सारी चीज़ें सेट हो रही है। हमारे डोमेन कंट्रोलर तो बन रहा है, उसके साथ साथ DNS भी बन रहा है। DNS जो बनेगा वो DNS वैसे बनेगा AD इंटीग्रेटेड DNS। अब देखो यहाँ पे साइन आउट के लिए कह रहा है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा और आपका सर्वर क्या है, डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हो जाएगा। देखो रिस्टार्टिंग के लिए कह रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है, ये अपने आप होगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा। और रिस्टार्ट करने के बाद जब सर्वर ऑन होगा तो आप उस पर काम कर सकते हो, वो आपका सर्वर कहलाएगा डोमेन कंट्रोलर। बात समझ आ गई, तो ये आपका क्या बन गया, डोमेन कंट्रोलर बन गया। अब इसमें आप कोई भी क्लाइंट क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और क्लाइंट के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये मशीन हमारी रीस्टार्ट हो रही है।